हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह साइंस का क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो लगाते हैं यह 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विमा MLT-2 किसके अनुरूप है? तो यह गति, बल, ऊर्जा, विनिमय, तो इसमें से यह किसका डायमेंशन है? तो यह फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसमें बता दूं कि यह फोर्स बल का जो है यह विमा है, MLT, उसके पावर होता है -2। तो आंसर होगा बी। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, गति का। तो थर्म है यहाँ पे, तो थर्म हो गया यूनिट उष्मा का। तो 2 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, तरल पदार्थ का घनत्व कम होने पर या करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब तरल पदार्थ का घनत्व कम होगा तो क्या होगा, उसका प्रभाव तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है। नहीं, तो इसका आंसर होगा डी। लेकिन डी में क्या होगा, दूरी नहीं, दूरी की जगह पर यहाँ पर होगा आयतन, वॉल्यूम। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा, लेकिन दूरी को आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। कि जब हम किसी तरल पदार्थ की डेंसिटी को कम करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो यह आंसर होगा तीसरा का डी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का, गति का, ऊर्जा का, द्रव का। तो प्रकाश वर्ष जो है यह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। इसमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, एक तारे से दूसरे तारे की बीच की दूरी, यानी खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला एक यूनिट है जो कि चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान, गति, उष्मा, तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता महो, मिनट, गति, आयाम। तो यहां पर विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसका यूनिट है MHO, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में महो बोल सकते हैं। पिकनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा, घनत्व, उष्मा, गति। तो 7th का आंसर होगा घनत्व। घनत्व का मापने के लिए पिकनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का, उष्मा का। तो एम्पियर सेकेंड जो है यह आवेश की मात्रा का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, उष्मा का, द्रव का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा का मात्रक है। 9th का होगा ए। क्या कारण है कि मेघा छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिस रात में बादल आकाश में छाए रहते हैं, बादल आकाश में छाए रहते हैं रात को, तो वह रात गर्म होता है नॉर्मल, जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो उस रात की अपेक्षा। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीजन है नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण, आवेश की कमी होने के कारण। तो आंसर है विकिरण होने के कारण। विकिरण होने के कारण क्यों होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तो विकिरण जो होते हैं वह अर्थ सरफेस और बादल के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। तो गर्म फील करते हैं। और इसकी अपेक्षा जब आकाश में काली रात हो लेकिन बादल नहीं हो तो ठंडी रात होती है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बी। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि क्योंकि गैस जो होता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। तो 11th का आंसर होगा द्रव की अपेक्षा गैस में अधिक प्रसार होती है, गैस तुरंत फैलता है। सर्वोत्तम ऊष्मा चालक कौन है? पारद का, ऊष्मा का, गति का, गोले का। तो यहाँ पर सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, तो 12th का आंसर होगा ए। तो सर्वोत्तम ऊष्मा चालक जो है पारद का है।
क्वेश्चन नंबर 13, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य पर कौन सा नियम लागू होता है? तो उस पर नियम लागू होता है उष्मा का नियम, पास्कल्स का नियम, आवेश का नियम, गति का नियम। तो उस पर से लागू होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ऑटोमोबाइल मोटर कारों में, पास्कल्स के नियम पर वो ब्रेक काम करते हैं। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, तो कौन सा दर्पण होता है बस के ड्राइवर के पास? तो उत्तल दर्पण। ये बहुत इजी आंसर है, उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा। हीरे का चमक का क्या कारण है? हीरे का चमकना क्या कारण है? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित बाहरी परावर्तन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हीरा का चमकना जो है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, उष्मा। तो उसमें प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से अगर एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन, किसी पिन होल कैमरा में हमेशा सामान्यतः क्या मिलता है? सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन, ऊर्जा। तो किसी पिन होल वाले कैमरा में हमें मिलता है उल्टी छाप। तो 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी। जल का तालाब कम गहरा दिखाई होने का कारण है? जो तालाब है उसमें जल का कम गहरा दिखाई होने का कारण है तो अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, सीधा छाप। तो इसका रीजन है अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण तालाब को देखते हैं तो लगता है कि कम पानी है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन ने, रोमर ने, हॉकिंस, डॉक्टर भाभा। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। रोमर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? केशिका क्रिया, इसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, परावर्तन की क्रिया। तो फाउंटेन पेन जो है केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन बोल सकते हैं, उस पे काम करता है। रात में तारे क्यों चमकते हैं? अनेक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण। तो तारे जो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं यह जो है अनेक परावर्तन के अपवर्तन के कारण, सॉरी। तो इसका आंसर होगा ए, 21 का जो है ये होगा अपवर्तन के कारण हमें तारे रात में टिमटिमाते या चमकते नजर आते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्तर है कितना है? 44 dB, डेसीबल हो गया, 45 dB, 37 dB, 39 dB। तो 22 का आंसर होगा बी, 45 dB ध्वनि अनुमानित स्तर होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तेज गति के द्वारा, विकिरणों के द्वारा, तरंग के द्वारा, कम गति के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण के द्वारा। तो आंसर 23 का होगा बी। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? विकिरणों से, परावैगनी किरणों से, ज्वलन किरणों से, हानिकारक किरणों से। तो वो है परावैगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जनरली आपको 8 मिनट लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 8 मिनट, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, इतना माना जाता है। तो आप यहाँ पर 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट, 8.5 मिनट। तो इसमें सुटेबल आंसर होगा 8 मिनट 30 सेकेंड। तो आंसर होगा 25 का बी। 26 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर जो है सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये इसमें होगा
केशिकीय घटना ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, कोशिकीय घटना के कारण, यहाँ पे कोशिकीय है और ए नंबर में केशिकीय है, तो आंसर होगा इसका ए, केशिकीय मतलब कैपिलरी एक्शन के कारण। तो 27 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो वो व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस, सामान्य लेंस, तो उसको अवतल लेंस युक्त चश्मा दिया जाता है, तो इसमें आंसर होगा बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट, मायोपिया का दूसरा नाम है दूरदृष्टि, समीप दृष्टि, नेत्रिका, नेत्र, तो मायोपिया का ही नाम है दूसरा निकट दृष्टि दोष या बोलिए समीप दृष्टि दोष, तो आंसर होगा 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा प्रकाशकीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? तो दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है, तो यह कौन सा लेंस होगा? तो दूरबीन है, अवतल लेंस है, नेत्रिका है, तो यहाँ पर होगा दूरबीन। दूरबीन से हम क्या करते हैं कि दूर की वस्तुओं को हम नजदीक ला करके देखते हैं दूरबीन के द्वारा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। किसी बांध की दीवार नींव जो होता है बेस आधार पर अधिक चौड़ी होती है, तो वह बांध की जो बेस होती है आधार होती है ज्यादा चौड़ी होती है, तो क्यों होती है? इसका कारण है दाब को सहन कर सकती है, दाब को सहन कर सकती है, दो बार हो गया यहाँ पे, कम दाब को सहन कर सकती है, ज्यादा दाब को सहन कर सकती है, तेज गति को सहन कर सकती है। तो 31 का आंसर यहाँ पर होगा कि बांध जो होता है डैम, इसका बेस जो अधिक चौड़ा बनाया जाता है इसीलिए कि ताकि वो दाब को सहन कर सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली दाब को सहन कर सकती है, कम ज्यादा डिपेंड करता है कि आप बांध किस तरह का है। तो जनरली आंसर यहाँ पर ए होगा। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की गति, उष्मा, ऊर्जा। तो न्यूटन का पहला गति का नियम बोल सकते हैं जड़त्व का नियम। तो 32 का आंसर होगा ए। फुहार किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैग्रो के सिद्धांत पर। तो 33 का आंसर होगा बी, बर्नौली के सिद्धांत पर फुहार काम करता है, फुहारा। एनीमोमीटर क्या मापने का काम आता है? एनीमोमीटर गति के वेग को, उष्मा के वेग को, पवन के वेग को, ऊर्जा को। तो एनीमोमीटर जो है यह हवा के वेग को मेजर करते हैं। तो 34 का आंसर होगा सी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव, घर्षण। तो 35 का आंसर होगा बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, सरफेस टेंशन। 36, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? आंतरिक तनाव, पृष्ठ तनाव, घर्षण, बाहरी तनाव। तो 36 का आंसर होगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित विद्युत विसर्जन, कोणीय संवेग, संवेग शक्ति के वेग, तो यह विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया? तो सबसे पहले जो है ग्रह की गति का निरूपण डेविड थॉमसन, जॉन्स कैपलर, हॉकिंस, जॉनसन। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपलर ने किया था, जॉन्स कैपलर। 38 का आंसर होगा बी। वायन खरे लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो वायन जो है खरे लूप में करतब दिखा सकता है, इसका रीजन अभिकेंद्र बल के कारण, उष्मा वेग के कारण, घर्षण वेग के कारण, घर्षण बल के कारण, विद्युत बल के कारण। तो 39 का आंसर होगा ए, अभिकेंद्र बल के कारण। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण, गति का संरक्षण, अभिकेंद्र। तो रॉकेट की गति पर यहाँ पर संवेग संरक्षण लागू होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
और इस तरह के वीडियो में लेकर के आते रहता हूँ। हमारे चैनल को लगातार विजिट करिए, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके वीडियो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।